नेताओं मेरी बात सुनिए, वहाँ के लोगों में बड़ा उबाल है बुधनी विधानसभा में। शिवराज चौहान जी को पता चल जाएगा कि बुधनी विधानसभा में हालात क्या हैं उनके, लोगों को झूठे आश्वासन दे दे के इतने साल दुकान चल गई। ये तो कोई दमदार नेता वहाँ हमारा जो प्रत्याशी बन सके पैदा मतलब हुआ नहीं है। ये तो इन्हें पता चल जाता कि बुधनी का रण अब आसान नहीं है शिवराज चौहान, तो हमें तो वहाँ की जनता ही आगे आगे आंदोलन करेगी कि सज्जन वर्मा ने अच्छा काम किया तो उनके खिलाफ FIR करिए, FIR वापस लेने की जनता ही मांग करेगी। गिरफ्तारी आप देने जा रहे हैं क्या कल? मैं तो अब जाऊंगा, मैं पार्टी से बात करके, कल मेरी मीटिंग है भोपाल में, मेरे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी आ रहे हैं, उनके साथ बैठक करके रणनीति बनाएंगे। हम तो छाती ठोक गए, हम तो गिरफ्तारी देने जाएंगे। करो गिरफ्तार, और कौन सी संपत्ति नष्ट हुई है, मैं शिवराज चौहान पे मुकदमा ठोकूंगा। जिस पुलिस अधिकारी ने मेरे खिलाफ मुकदमा कायम किया उसके खिलाफ एक रेत का कंकर भी इधर का उधर नहीं हुआ। सरकारी संपत्ति का नुकसान, तुम्हें शर्म आना चाहिए अधिकारियों कि एक थोथे मुख्यमंत्री के कहने पे सही आदमी पे FIR दर्ज कर रहे हो। मेरा ख्याल है कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिराज सिंधिया को केंद्रीय मंत्री ना बना दिया जाए, इसलिए भागदौड़ करना मेरी जो जानकारी है। और खंडवा का आमंत्रण हम भी देते हैं, आ जाओ भाई, खंडवा से BJP की तरफ से लड़ लो, कांग्रेस का उम्मीदवार डंके की चोट पे जीतेगा। चुनौती आप मानते हैं? नो 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 नो, देखिए चुनौती क्यों माने, इस समय मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत के अंदर लोग इतने परेशान हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं जो कोरोना से इफेक्टेड नहीं हुआ हो। कई परिवारों से में मौत हुई है, सरकार कोई मदद नहीं कर पाई, ना ऑक्सीजन दे पाई, ना रेमडेसिविर दे पाई, ना ICU बेड दे पाई। कोरोना के संक्रमण के बाद आज महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल गैस खाने का तेल दालें, तो आदमी चारों तरफ से घिर गया है। तो वो तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान से बदला लेना चाहता कि आओ, चार चुनाव हैं अभी, खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा, सज्जन वर्मा आज यहाँ कह रहा है चारों चुनाव कांग्रेस जीतेगी।